तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जो कि मेरा 2 अगस्त को था, उसके बाद ये मेरा पहला स्टडी ब्लॉग होने वाला है। और इतने दिन से कुछ सीरियस होकर मैं पढ़ाई भी नहीं कर रही थी, बट फिर अभी डीडीए का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ तो दोबारा से दिमाग में स्ट्राइक आया कि थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ लेती हूँ। बहुत टाइम पास हो गया है, एक हफ्ते तक शायद मैंने बहुत मजे मार लिए, अब थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं। तो अभी मैं उठी हूँ थोड़ी देर पहले, एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट माई फर्स्ट टू डू लिस्ट। एंड देन आज कहीं जाना नहीं है, सिर्फ शाम का एक ट्यूशन है, तो आज मैं पूरे दिन फ्री हूँ, तो मैं अपने डे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकता। सो टू डू लिस्ट बनाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आई एम स्टार्टिंग माई डे विद पॉलिटी क्वेश्चन आंसर, क्योंकि कल मैंने पॉलिटी कम्प्लीटली रिवाइज करी थी। मैं कुछ आर्टिकल्स एंड इन सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रही थी, सो आई डिसाइडेड कि एक बार पॉलिटी को एक रिविजन दिया जाए। तो 2018 से लेकर 2022 तक में जितने भी क्वेश्चन आए, मैं सब क्वेश्चन को एक बार वन गो दे रही हूँ। एंड जो क्वेश्चन में भी बहुत डाउट रहता है, क्लियर नहीं होता, उनको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फटाफट से कम्प्लीट करते हैं। डन विथ पॉलिटीज 2 चैप्टर, एंड नाउ जो थर्ड चैप्टर है इसको मैं पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाई, तो अब मैं थोड़ा सा वोकैबुलरी की तरफ स्किप कर रही हूँ। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद वोकैबुलरी। तो आ चुका है मेरा ब्रेकफास्ट। थोड़ा सा हेल्दी की तरफ जाने का भी मन कर रहा है, मन कर रहा है खुद से खाना बनाओ, खुद का छोटा सा किचन हो जिसमें मैं अपने लिए कुक करूँ और अपने हिसाब से कुक करूँ, क्योंकि ये पैकेट फूड और बाहर का खाना नहीं खाया जाता। क्योंकि आई एम वेरी मच, मतलब बहुत परेशान हो गई हूँ मैं, मेरे को एक्ने की प्रॉब्लम, मेरे को वेट गेन हो रहा है, सो आई कांट से एनीथिंग। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ चुकी हूँ मॉक टेस्ट देने के लिए। सो फटाफट से मॉक टेस्ट कंप्लीट करते हैं, देन आई विल शेयर माई मार्क्स विद यू। बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि मॉक में मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, 120 तक अटक गए, तो सेम मेरे साथ भी होता था कुछ दिन पहले, बट नाउ आई एम इम्प्रूविंग लिटिल बिट। क्योंकि अपने ना जब तक कमी को नहीं पहचानेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने अपनी कमी पहचानी कि मैथ्स के दौरान मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती हूँ और इतनी ज़्यादा सी लिमिट्स चेक करती हूँ जिसका कोई जवाब नहीं है। रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में सेम थिंग, मेरी कैलकुलेशन वीक हो गई है बहुत ज़्यादा, मैं उस टाइम पर कंसनट्रेट नहीं कर पाती क्योंकि मेरा सारा का सारा ध्यान टाइम पर रहता है। तो और इंग्लिश की बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा ही इंग्लिश में अज्यूम कर लेती हूँ चीज़ों को, तो जब तक अपनी कमी नहीं पहचानते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे तो मॉक को इट मीन्स आप प्रॉपर एनालाइज नहीं कर रहे हैं। एंड इसी के बाद मेरे को लग गई कस के भूख, तो मैंने सोचा कि अभी कुछ हेल्दी साइड जाना है, तो मैंने मैगी को एकदम स्किप कर रखा है, मैं ओट्स लेकर आई हूँ बिकॉज इससे पेट भी अच्छा खासा भर जाता है, आई थिंक इट्स अ हेल्दी ऑप्शन। तो फटाफट से इसको क्रिएट करती हूँ मैं, एंड ये मेरा ओट्स कम खिचड़ी ज़्यादा लग रही है, खिचड़ी भी नहीं सूप ज़्यादा लग रहा है, सो स्टिल लेकिन बहुत टेस्टी बना था। सो अब मैं मैगी की जगह इसी को खाऊंगी जो कि एक हेल्दी ऑप्शन है, पेट भी बहुत देर तक भरा हुआ रहता है। बट इसकी वजह से मेरा केतल जल गया नीचे से, बिकॉज आई थिंक इसको लो फ्लेम में पकाना होता है। देन अपना ओट्स कम सूप पीने के बाद मैंने ये किया बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट, एंड देन इसके बाद मैं करने जा रही हूँ मैथ्स। तो एज आई डिसाइडेड कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट करूँगी, बट अभी मॉक टेस्ट देने के बाद आई गेट टू नो कि मैंने ना ट्रिगो में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दी थी। सो आई डिसाइडेड कि एटलीस्ट आज 30-40% मैं ट्रिगो कंप्लीट कर लूँ, मीन्स 3 दिन में 2018 से लेकर 22 तक जितने भी क्वेश्चन आए मैं सबको कम्प्लीटली करना चाहती हूँ। सो इसलिए मैं अभी से इसी को कम्प्लीट टाइम देने वाली हूँ, देन फिर आगे देखा जाएगा, जो टू डू लिस्ट है उसको फिर रिव्यू करूँगी एक बार, तो इसको पहले मैं फटाफट कम्प्लीट कर लेती हूँ। एंड काफ़ी सारा टाइम मैं आज मैथ्स को दे चुकी हूँ, बट आई एम हैप्पी कि ट्रिगो का एटलीस्ट मैंने 50% कंप्लीट कर लिया है। कुछ मेजर टाइप है वो भी अभी रह रहे हैं, बट अब मेरा मन नहीं इसको करने का, तो फटाफट से टू डू लिस्ट रिव्यू करती हूँ एंड थोड़ा सा डिनर करके अब मैं जाऊँगी सोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मैं दे चुकी हूँ इस चीज़ को। सो बहुत लेट हो चुका है आज मेरे को, एक जगह बैठे बैठे कमर की एकदम वॉट लग गई है मेरी। सो वैसे तो टू डू लिस्ट मैंने कंप्लीट कर ली है जिसमें सिर्फ करंट अफेयर रह रहा है, तो थोड़ा सा करंट अफेयर रीड करके देन मैं जाऊँगी सोने के लिए। तो तब तक ले बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो में।